नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके पाठशाला में। दोस्तों, इससे पहले हमने बात करी थी व्यवहारवाद के बारे में कि किस हिसाब से व्यवहारवाद का उदय हुआ था, क्योंकि जो दो दृष्टिकोण थे, परंपरागत दृष्टिकोण और जो आधुनिक दृष्टिकोण, तो परंपरागत दृष्टिकोण में क्या कमियाँ रही थी जिसके फलस्वरूप व्यवहारवाद का उदय हुआ, और व्यवहारवाद में क्या कमियाँ रही जिसके कारण क्या है उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। तो दोस्तों, इससे पहले भी पॉलिटिकल साइंस के वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप उन्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो वहाँ से भी देख सकते हो, या प्लेलिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हो। दोस्तों, आप अगर चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो उत्तर व्यवहारवाद, देखो जो व्यवहारवाद की कमियाँ थी, व्यवहारवाद क्या था, मूल्यों के ऊपर क्या है बल नहीं देता था, मूल्यों को क्या है उसने एक तरह से नकार दिया था, उसने तथ्य और तकनीक के ऊपर क्या ज़्यादा ध्यान दिया था, तथ्य और तकनीक के ऊपर। तो वहीं उत्तर व्यवहारवाद क्या कहता है कि नहीं, मूल्यों को आपने छोड़ दिया, ये क्या है गलत चीज़ है, मूल्य तो हमसे कभी अलग हो ही नहीं सकते, तो इन्होंने तथ्य और तकनीक के साथ क्या है मूल्यों को भी समाहित कर लिया। तो एक तरह से क्या है, इन्होंने परंपरागत और जो आधुनिक दृष्टिकोण है दोनों के बीच का एक रास्ता निकाल लिया था। तो देखेंगे सारी चीज़ें इस पूरे वीडियो में, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि तो ये टॉपिक हैं कुछ टफ टॉपिक हैं, पीजी लेवल के हैं, तो वीडियो को एक दो बार देखें, ज़्यादा बार भी देखो, जब तक समझ में ना आए तब तक देखते रहो। तो सबसे पहले उदय के कारण देखते हैं क्या है। तो सितंबर 1969 में जो राजनीति विज्ञान एसोसिएशन अमेरिका की जो 62वीं बैठक हुई थी, उसमें व्यवहारवाद के प्रमुख प्रवक्ता, देखो पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि व्यवहारवाद का जो प्रमुख व्याख्याकार कौन था, डेविड स्टनी था। तो उसने अपने अध्यक्षीय भाषण में व्यवहारवाद की कठोर आलोचना की और ये विवशता प्रकट की कि व्यवहारवाद से हम अपने विश्लेषण को क्या है सार्थकता नहीं दे पाए हैं, अतः अब हमें नए व्यवहारवाद को अपनाना पड़ेगा। ये किसने कहा था, डेविड स्टन ने कहा था। देखो निम्न कारणों से उत्तर व्यवहारवाद को बढ़ावा मिला। एक तो यह है व्यवहारवादी असफलता की क्या है प्रतिक्रिया। देखो यहाँ डेविड ईस्टन ने यह कहा था कि हम अध्ययन को सार्थकता नहीं दे पाए, अब हमें क्या बनना पड़ेगा, उत्तर व्यवहारवादी बनना पड़ेगा। वहीं देखो चार्ल्स मेरियम थे, देखो सर्वश्रेष्ठ व्याख्याकार था डेविड ईस्टन, लेकिन प्रवक्ता कौन था, मेरियम था। तो मेरियम ने भी उस समय ये सेम ही बात दोहराई थी कि जो परंपरागत सिद्धांत है वो सार्थकता नहीं दे पाए अध्ययन को, और हमें क्या बनना पड़ेगा, व्यवहारवाद बनना पड़ेगा। और यही सेम चीज़ किसने दोहरा दी, वापस डेविड ईस्टन ने, कि हम जो अपने अध्ययन को सार्थकता नहीं दे पाए हैं इसलिए हमें व्यवहारवाद। देखो सबसे बड़ा जो व्याख्याकार था वही सबसे बड़ा क्या बन गया था, आलोचक बन गया था व्यवहारवाद का, और इसी ने फिर क्या है नव व्यवहार जो सॉरी उत्तर व्यवहारवाद ये लेकर आया फिर। तो एक तो कारण हो गया कि ये व्यवहारवादी असफलता की प्रतिक्रिया थी, क्योंकि वो क्या था, मूल्य को क्या महत्व नहीं देता था, यानी जो अपनी संस्कृति परंपराएं रीति रिवाज उनको महत्व नहीं देता था, वो तथ्य और तकनीक, ताकि उससे क्या एक सिद्धांत निर्माण किया जा सके उसके ऊपर व्यवहारवादी ज़्यादा जोर देते थे। फिर व्यवहारवादी मूल्य निरपेक्षता के प्रति क्या था, इनमें असंतोष, यानी व्यवहारवादियों ने क्या है मूल्यों को एकदम से नकार दिया था, तो इसके प्रति भी क्या था लोगों में असंतोष था, जो विचारक थे उन्हें समकालीन सामाजिक समस्याओं के निदान में व्यवहारवाद की असफलता, ये हमने बात करी थी, क्योंकि वो जो टाइम था पीक टाइम था, कई देश आज़ाद हो रहे थे, तो उनकी जो समस्याएं थी, जो समाज से सामाजिक समस्याएं, उनके निदान में क्या है व्यवहारवाद असफल रहा था। फिर चौथा पॉइंट आता है व्यवहारवाद प्रणाली का अत्यधिक खर्चीला होना, कि वहीं बैठे ऐसी रूम में बैठे बैठे कर रहे थे जो भी अपना है, लेकिन वो क्या जो समाज उसके ऊपर लागू नहीं हो पाया, तो एक खर्चीली प्रणाली हो गई। पीरे व्यवहारवादियों में सिद्धांत निर्माण में असफल होना, क्योंकि ये तो था ही कि मानव का व्यवहार क्या है परिवर्तनशील होता है, तो परिवर्तनशील होने के कारण क्या है आप कोई निश्चित सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकते। अब स्वभाव मानव का, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी उदाहरण से बात करी थी कि सामान सबसे ले लेगा, जैसे यहाँ वोटर है वो तीनों पार्टियों से अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेगा, चाहे उसे कुछ भी लेना हो, खाना हो पीना हो,
लेकिन वोट किसे देगा, वो ये वोटर निश्चित करेगा मैं किसे वोट दूंगा। तो यानी उसके व्यवहार का क्या हम निश्चय नहीं कर सकते। तो ये भी क्या थी, एक असफलता थी व्यवहारवादियों की। अब देखो उत्तर व्यवहारवाद क्या है, तो सबसे पहले बात करें उत्तर व्यवहारवाद, देखो उसी के खिलाफ एक क्या सुधारात्मक आंदोलन था, जो व्यवहारवाद था उसी के खिलाफ एक प्रति सुधार आंदोलन था। यानी जो चीज़ थी उसमें क्या किया गया था, सुधार किया गया था, जो राजनीतिक शोध में तथ्यों तथा मूल्यों के बीच क्या समन्वय स्थापित करता था। ठीक है, क्योंकि तथ्यों के ऊपर जोर कौन दे रहा है, तथ्य और तकनीक के ऊपर व्यवहारवादी, और मूल्य के ऊपर ये तो परंपरागत दृष्टिकोण दे रहा है मूल्यों के ऊपर, और आधुनिक दृष्टिकोण किसके ऊपर दे रहा है, तथ्यों के ऊपर। तो दोनों को समन्वय करके इन्होंने क्या एक नया दृष्टिकोण ही प्रस्तुत किया था, व्यवहारवाद के खिलाफ एक प्रति सुधार आंदोलन है जो राजनीतिक शोध में तथ्यों तथा मूल्यों के बीच समन्वयवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है और मानता है कि शोध किसी भी प्रणाली से किया जाए लेकिन क्रम तथा प्रासंगिकता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। इन्होंने ये कहा कि आप जो मेथड काम में ले रहे हो शोध का, वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण क्या है, जो रिजल्ट प्राप्त हो रहा है ना वो महत्वपूर्ण है। मतलब आप तैयारी कैसे कर रहे हो वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, कि चाहे आप दिन में तैयारी कर रहे हो, रात को तैयारी कर रहे हो, कोचिंग से तैयारी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, जो मेथड है वो आपका इम्पोर्टेंट नहीं, कि आप नोट्स बना के पढ़ाई कर रहे हो। मेन जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आपका फाइनल मेरिट में सिलेक्शन इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कोई नहीं कहेगा कि आपने कैसे पढ़ाई की कैसे नहीं की। यानी मेथड आपका क्या है वो कोई मायने नहीं रखता, आपका जो कर्म है, कर्म की प्रासंगिकता यानी जो रिजल्ट आता है वो क्या है, सही होना चाहिए। इन्होंने ये कहा था कि जो टेक्निक है उससे कोई हमें मतलब नहीं है, जो आप रिजल्ट दे रहे हो वो क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, कसौटी के ऊपर क्या है, खरा उतरना चाहिए। ये उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं। और जो व्यवहारवादी क्या थे, वो किसके ऊपर जोर देते थे, टेक्निक के ऊपर, जो विधि है उसके ऊपर। तो उत्तर व्यवहारवाद क्या है, व्यवहारवाद में एक सुधार आंदोलन था जिसके दो नारे थे, एक तो कर्मनिष्ठता, जैसे क्रियानिष्ठता या कर्म, और दूसरी चीज़ क्या है, एक तो हो गया कर्म और दूसरी जो आप शोध कर रहे हो उसकी प्रासंगिकता। ये दो चीज़ें इसके व्यवहारवाद के, उत्तर व्यवहारवाद के नारे थे। अब देखो डेविड स्टन क्या कहता है, डेविड स्टन कहता है कि उत्तर व्यवहारवाद एक वास्तविक क्रांति है, प्रतिक्रिया नहीं। ठीक है, प्रतिक्रिया नहीं, यानी किसी चीज़ की ये क्रिया प्रतिक्रिया नहीं, क्रिया होने के बाद प्रतिक्रिया, ये विकास है, अनुरक्षण नहीं। अनुरक्षण मतलब यथास्थिति, जो व्यवहारवादी थे वो क्या थे, यथास्थिति में विश्वास रखते थे। और ये क्या बोल रहे हैं, ये विकास है, ये आगे की ओर कदम है, पीछे हटने की प्रवृत्ति नहीं है, ये एक आंदोलन भी है और बौद्धिक क्रांति भी। देखो पीछे हटने की ओर कदम से आप या आगे, दोनों चीज़ों में देखो क्या डिफरेंस है। मूल्यों के ऊपर इन्होंने क्या है, मूल्यों को भी समाहित किया है, और मूल्य कौन से दृष्टिकोण में थे, परंपरागत दृष्टिकोण में। तो यहाँ ये कहते हैं कि ये मूल्यों को शामिल तो किया है लेकिन ये पीछे की ओर नहीं हट रहा है, ये क्या है, आगे की ओर ही छलांग ले रहा है, विकास हो रहा है। ये इनका कहना था कि मूल्यों को तो हमने शामिल किया है, साथ में तथ्य और तकनीक का भी हमने क्या है, समावेश किया है। तो ये इनका कहना था कि ये क्या है, पीछे हटने की प्रवृत्ति नहीं है, क्या है, आगे की ओर कदम है। तो निष्कर्ष रूप में देखो हम क्या कह सकते हैं, उत्तर व्यवहारवाद क्या था, मूल्यों की महत्ता को स्वीकार करता है और इस बात पर बल देता है कि राजनीतिक शोध वो समाज की जो तत्कालीन समस्याएं हैं, जो समस्याओं का निदान करने वाला होना चाहिए। ये उत्तर व्यवहारवादियों का महत्वपूर्ण मुद्दा था कि जो आप शोध कर रहे हो उससे जो परिणाम रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं वो जो सामाजिक समस्याएं समकालीन उनका निदान करने वाला होना चाहिए। तो ये तो हो गया जो परिचय का जनरल बात करें। अब देखो उत्तर व्यवहारवाद की कुछ मान्यताएं, उनके बारे में बात करेंगे। तो डेविड स्टन ने 7 मान्यताओं का उल्लेख किया है और व्यवहारवाद की कितनी मान्यताएं थी, 8 मान्यताएं। तो देखो कौन कौन सी मान्यता, सबसे पहले पर विधि से पूर्व है सार वस्तु पर बल, अर्थात शोध की तकनीक को अधिक महत्व नहीं देता है बल्कि शोध की क्रमनिष्ठता और प्रासंगिकता को अधिक महत्वपूर्ण मानता है। वही है कि जो हमने बात करी कि टेक्निक के ऊपर ज़्यादा
बल नहीं देता कि आप कौन सी विधि काम में ले रहे हो, कौन ये चीज़ें जो आप रिजल्ट दे रहे हो वो क्या है, वो महत्वपूर्ण रखता है, मायने रखता है। तो यहाँ देखो व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के दो प्रसिद्ध नारे हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। ये इसको बुरा बता रहा है, ये इसको बुरा बता रहा है। देखो व्यवहारवाद क्या कहता है कि अस्पष्ट होना जितना बुरा है, गलत होना उतना बुरा नहीं है। ये कौन कहता है? व्यवहारवाद। और उत्तर व्यवहारवाद क्या कहता है? अप्रासंगिकता की सुनिश्चितता से तो अस्पष्ट होना कम बुरा है। देखो इसको बात को थोड़ा सा समझना। अस्पष्ट होना मतलब ना तो सही और ना ही गलत, ठीक है, वो ज़्यादा बुरा है। गलत होना क्या है? कम बुरा है। भाई गलत हो तो गलत है, सही है तो सही है। यह तो सही है कि भाई गलत होना बुरा नहीं है, क्योंकि गलत है तो हमें पहले पता चल जाएगा हाँ भाई चीज़ गलत है ये। लेकिन अस्पष्ट होना, ये इनको बोल रहे हैं उत्तर व्यवहारवादियों को, व्यवहारवादी इनको ये कह रहे हैं कि अस्पष्ट होना जितना बुरा है, मतलब ये काम कर भी लूँ नहीं भी करूँ, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर लूँ या नहीं भी करूँ, सेकंड ग्रेड की तैयारी करूँ या नहीं करूँ, यानी यहाँ क्या अस्पष्टता है। लेकिन वो कह दे कि नहीं यार फर्स्ट ग्रेड में तो अपना सेलेक्शन नहीं होगा, सेकंड ग्रेड ही करते हैं, या सेकंड ग्रेड में नहीं होगा फर्स्ट ग्रेड में। यानी आदमी स्पष्ट हो जाए ना, वो स्पष्टता की चीज़ आ जाती है। यहाँ अस्पष्टता है कि उस दोनों में क्या है, कन्फ्यूजन रहता है किसकी तैयारी करूँ, तो वो क्या है ज़्यादा बुरा है, गलत होना उतना बुरा नहीं। ये कर्म कहते हैं व्यवहारवादी। उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि यार जो आप शोध कर रहे हो उसकी कोई प्रासंगिकता ही नहीं है, सुनिश्चितता ही नहीं है, तो उससे तो ज़्यादा अच्छा अस्पष्ट होना कम बुरा है। ये इनके उनको गालियाँ दे रहे हैं। तो ये दोनों के बीच चीज़ें चलती रही हैं। अब देखो थे दोनों एक ही। भाई जो व्यवहारवादी थे वही उत्तर व्यवहारवाद लेकर आए थे, लेकिन दोनों के बीच अंतर विरोध चलता रहा। फिर दूसरी चीज़ आती है सामाजिक परिवर्तन बल, जहाँ व्यवहारवादियों में सामाजिक अनुरक्षण की प्रवृत्ति अर्थात यथास्थिति के समर्थक थे, वहीं उत्तर व्यवहारवादी क्या है सामाजिक बदलावों का समर्थन करता है। यानी व्यवहारवादियों का तो ये मानना था कि जो व्यवस्था चल रही है वो चलने दो, क्योंकि वो तो क्या एसी रूम में बैठे बैठे क्या कर रहे थे, शोध कर रहे थे। लेकिन जो उत्तर व्यवहारवादी क्या कहते हैं कि जो सामाजिक बदलाव है उनका ये समर्थन करता है। तीसरी चीज़ आती है सामाजिक समस्याओं के निदान पर बल, जो भी समाज में उस समय तत्कालीन समस्याएं थी, ठीक है, जो समकालीन समस्याएं। उत्तर व्यवहारवादी क्या है? राजनीतिक बुद्धिजीवियों द्वारा समाज की विभिन्न समस्याओं जैसे निर्धनता है, भूतापन है, पर्यावरण संकट है, शस्त्रीकरण की होड़ है, परमाणु प्रसार है, नस्लवाद है, उपनिवेशवाद है, आतंकवाद जैसी समस्याओं के निदान ढूंढने पर क्या है बल देते हैं। जबकि व्यवहारवाद क्या था? व्यवहारवाद को सामाजिक परिवर्तन के ऊपर क्या है? जो सामाजिक समस्याएं थी उनका निदान करने में क्या रहा था, वो असफल रहा था। चौथी चीज आती है मूल्य सापेक्षता को स्वीकार करना। तो ये जो सारी चीजें हैं जो व्यवहारवादियों की थी उनके क्या एक तरह से बिल्कुल अपोजिट है। अब देखो यहाँ मूल्य सापेक्षता को उत्तर व्यवहारवादियों ने क्या है स्वीकार किया है, और जो व्यवहारवादी थे उन्होंने मूल्य को कोई स्थान नहीं दिया अपने शोध में। तो इनके अनुसार देखो क्या है, मूल्य राजनीति को उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं, अतः मूल्यों के बिना राजनीति क्या है निरर्थक है एक तरह से। और तथ्य और मूल्यों को अलग नहीं करके इनमें समन्वय स्थापित करना चाहिए, निरर्थक है राजनीति, मूल्यों के बिना राजनीति क्या है निरर्थक। अतः तथ्य और मूल्यों को अलग नहीं करके इनमें क्या है, यानी इन्होंने क्या है बीच का रास्ता निकाला था, यहाँ तो तथ्य तकनीक और यहाँ क्या है आपके मूल्य, तो दोनों के बीच का रास्ता है ताकि ये चीज़ें भी समाहित हो जाए और ये चीज़ें भी समाहित हो जाए। यानी जैसे वो मैथ में नहीं आते वेन आर एक वाले क्वेश्चन, तो जैसे ये तथ्य हैं और ये आपके क्या है मूल्य हैं, तो ये ऐसा गोला हो गया, ये कौन है उत्तर व्यवहारवादी, इससे समझो आप। यानी ये जो गोला है वो तो है तथ्य, किसका? जो व्यवहारवादियों का, व्यवहारवादी। और ये जो परंपरागत दृष्टिकोण है इसमें क्या है मूल्य, तो इन दोनों के बीच ये कौन सा आ गया उत्तर व्यवहारवादी। और सीधा सा कंसेप्ट इसका यही है, ये चीज ध्यान में रखना, ये परंपरागत दृष्टिकोण का मूल्य मूल्यों से संबंधित, ये व्यवहारवादियों का तथ्य से संबंधित, और ये उत्तर व्यवहारवादी
तथ्य प्लस मूल्यों से संबंधित। फिर अब बुद्धिजीवियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल। उत्तर व्यवहारवादियों का कहना था कि राजनीतिक बुद्धिजीवियों को सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए ताकि इनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा हो सके। यानी इनका ये कहना था कि जो शोध कर रहे हो आप, जो बुद्धिजीवी शोध कर रहे हैं, वो सामाजिक परिवर्तन में क्या है महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। ये नहीं कि आप जहाँ शोध कर रहे हो उससे बाहर की दुनिया से आपको कोई मतलब नहीं है, पेमेंट आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, वो चीज़ें नहीं। आप समाज के प्रति भी दृष्टिकोण अच्छा रखोगे तो आपको क्या है सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाओगे, तो इससे क्या आप आपके प्रति लोगों का सकारात्मक दृष्टिकोण क्या होगा पैदा होगा। फिर राजनीति विज्ञान को क्रमनिष्ठ बनाने पर बल। क्रमनिष्ठ विज्ञान बनाने पर इन्होंने बल दिया था। उत्तर व्यवहारवादी राजनीति शास्त्र को क्रमनिष्ठ बनाना चाहते हैं और जो व्यवहारवादी थे वो कहते विशुद्ध विज्ञान प्योर साइंस बनाना चाहते थे। तो उत्तर व्यवहारवादी क्या है क्रमनिष्ठ बनाना चाहते हैं। ईस्टन के शब्दों में जानने का अर्थ है कार्य का उत्तरदायी अपने हाथ में लेना। जानने का मतलब ये है कि आप अगर किसी चीज का आपको नॉलेज है तो आप उस चीज़ को आप करो उत्तरदायी अपने हाथ में लो ताकि अच्छे से वो चीज़ हो पाएगी। तथा कार्यरत होने का अर्थ क्या है स्वयं को समाज के पुनर्निर्माण में लगा देना। तो ये ध्यान रखना क्रमनिष्ठ बनाने पर ये जोर देता है विशुद्ध विज्ञान की जगह। फिर है व्यवसायों का राजनीतिकरण। उत्तर व्यवहारवादी राजनीति के प्रति समाज की उदासीनता को लेकर चिंतित थे। इनका मानना है कि सभी व्यवसायों का राजनीतिकरण कर दिया जाए तथा प्रत्येक क्षेत्र में राजनीतिक चेतना पैदा होगी। इससे प्रत्येक क्षेत्र में राजनीतिक क्षेत्र में चेतना पैदा होगी जो राजनीति शास्त्र के लिए क्या होगा शुभ संकेत होगा। तो ये क्या थे ईस्टन के द्वारा जो 7 विशेषताएं हम कह सकते हैं लक्षण बताए गए थे वो है। अब देखो व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में अंतर क्या है। सबसे पहली बात व्यवहारवाद क्या था मूल्य निरपेक्ष था। ये क्या है मूल्य सापेक्ष यानी इसमें मूल्यों को भी स्थान दिया गया है और व्यवहारवाद था उसमें मूल्यों को कोई स्थान नहीं दिया गया था। दूसरे तकनीक तथा प्रविधि पर बल यानी टेक्निक के ऊपर बल ज़्यादा देते थे ठीक है। और ये किसके ऊपर देते हैं रिजल्ट के ऊपर यानी इनको तकनीक से कोई मतलब नहीं रिजल्ट कैसा है। विशुद्ध विज्ञान बनाम क्रमनिष्ठ विज्ञान ये प्योर साइंस के ऊपर और ये क्रमनिष्ठ के ऊपर यानी काम क्योंकि दो चीज़ें हैं ना इसकी एक तो शोध की प्रासंगिकता और एक जो आपका क्रम है यानी जो एक्शन है आपका एक्शन के ऊपर ये दो इसके प्रमुख लक्षण थे यानी नारे मान लो आप ठीक है। एक तो क्रमनिष्ठता क्रम प्लस जो शोध है उसकी प्रासंगिकता तो ये दो चीज़ें होगी। एक्शन आपका कैसा उसके ऊपर ये बल देता है। सामाजिक अनुरक्षण बनाम सामाजिक परिवर्तन ये यथास्थिति के समर्थक थे ये परिवर्तन के समर्थक हैं। फिर पांचवा है मात्रात्मक शोध बनाम मात्रात्मक प्लस गुणात्मक ये व्यवहारवादी मात्रात्मक शोध के ऊपर ज़्यादा बल देते थे और ये मात्रात्मक प्लस गुणात्मक प्रासंगिकता क्रमनिष्ठता समस्या निदान पर उत्तर व्यवहारवाद बल देता है व्यवहारवाद बल नहीं देता। यानी क्रमनिष्ठता के ऊपर ज़्यादा जो आपके कर्म है वो अच्छे होने चाहिए यानी जो रिजल्ट है एक तरह से समस्या निदान पर भी बल देता है लेकिन व्यवहारवाद इन चीज़ों के ऊपर बल नहीं देता। फिर देखो परंपरावाद बनाम उत्तर व्यवहारवाद इन दोनों में देखो समानताएं क्या है क्योंकि परंपरावाद में भी मूल्य हैं हम बीच में कई जगह बात कर ली और उत्तर व्यवहारवाद में मूल्य शामिल है तो दोनों व्यवहारवाद के एक तो क्या है विरोधी हो गए। दोनों परंपरागत पद्धतियों को क्या है महत्व देते हैं और दोनों मूल्य सापेक्ष अध्ययनों को क्या देते हैं महत्व देते हैं क्योंकि परंपरागत दृष्टिकोण है वो भी मूल्यों को महत्व दे रहा है और जो आधुनिक दृष्टिकोण में उत्तर व्यवहारवाद है वो भी क्या है मूल्यों को महत्व दे रहा है तो दोनों में ये तो क्या होगी समानता है। अब देखो ये भी क्या है व्यवहारवाद के विरोधी यानी सुधार आंदोलन था तो एक तरह से क्या हो गया विरोधी कह सकते हैं। अब देखो इनमें असमानताएँ क्या क्या है असमानता देखो पहली है कि परंपरावाद रूढ़िवादी और पश्चगामी कदम है जबकि उत्तर व्यवहारवादी विकासगामी तथा अग्रगामी कदम है। देखो रूढ़िवादी कदम ऐसे कह सकते हो क्योंकि इसमें जो अध्ययन पद्धतियाँ वो थी वो पुरानी पद्धतियाँ थी जैसे ऐतिहासिक पद्धति मान लो तो उसमें क्या पुराने इतिहास का अध्ययन करके फिर निष्कर्ष निकाले
तो वो तो क्या था, पश्चगामी पीछे की ओर जा रही थी। अगर इतिहास से संबंधित कोई चीज़ है तो वो तो पीछे की ओर जाती है, और उत्तर व्यवहारवादी क्या था, ये आगे की ओर कदम था, क्योंकि इसमें तथ्य और तकनीक को भी क्या कर लिया गया था, शामिल कर लिया गया था। दूसरी चीज़ आती है परंपरावाद, अधिक दार्शनिक है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद किसके है, यथार्थ परिस्थितियों को स्वीकार करता है, यानी ये दार्शनिक चीज़ें ये होना चाहिए, चाहिए के ऊपर ज़्यादा बल देता है, राज्य में ये होना चाहिए, ये दार्शनिक लोग ज़्यादा करते हैं ऐसी चीज़ें। फिर तीसरी चीज आती है परंपरावाद सामाजिक परिवर्तनों का क्या करता है, विरोध करता है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद क्या करता है, समर्थन करता है, ये विरोध करते हैं जो परिवर्तन हो रहे हैं यथास्थिति के, ये भी समर्थक हैं। फिर है परंपरावाद केवल सैद्धांतिक है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारिक एवं क्रमनिष्ठ है। पांचवी चीज़ आती है कि परंपरावाद व्यवहारवाद का पूर्णतः विरोधी है, ये ध्यान देना। परंपरावाद तो एकदम क्या है, बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि परंपरावाद में तो मूल्यों के ऊपर जोर था, और यहाँ इन्होंने मूल्यों को एकदम नकार दिया व्यवहारवादियों ने। लेकिन उत्तर व्यवहारवाद क्या है, व्यवहारवाद की कुछ उपलब्धियों को स्वीकार करता है। तो दोस्तों ये आज का टॉपिक था उत्तर व्यवहारवाद। अगर दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलेंगे जल्दी एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दोस्तों।